नमस्कार, लागगिरी में आपका स्वागत है। वीकेंड स्पेशल इंटरव्यू सीरीज चल रही है पिछले काफी समय से। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मैहर घराना बहुत एक बड़ी जगह रखता है, बहुत बड़ी पहचान रखता है। और मैहर घराने की शुरुआत की उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने। प्यार से दुनिया उन्हें बाबा कहती है, बाबा अलाउद्दीन खान साहब के नाम से जानती है। और बाबा यही कोई दर्जनों तो उनको इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे। और मेरे ख्याल से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो पूरा इतिहास है उसमें जो सबसे अग्रणी नाम है उसको संरक्षित करने में, उसको यहाँ तक पहुंचाने में, उनमें बाबा का और मैहर घराने का नाम है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रही हैं जो कलाकार डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, वो उसी मैहर घराने से आती हैं। बहुत ही शानदार सितार वादिका हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो फिर एक विश्वविद्यालय के लिहाज से बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीजन में है, डिपार्टमेंट में है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले स्वागत है आपका सुप्रिया जी। नमस्कार शिवेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़कर राजगिरी के। बाबा का परिचय जो मैंने दिया, मेरे ख्याल से मैहर घराने का हर कलाकार जो संगीत से जुड़ता है, संगीत सीखता है, चाहे किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो सितार सीख रहा हो, सरोद सीख रहा हो। और जैसा मैंने कहा कि बाबा तो इतने इंस्ट्रूमेंट बजाते थे कि मतलब गिनना शायद 100 के आसपास कहा जा सकता है कि बजाते थे वो इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हर कलाकार के मन में ये जरूर होता होगा कि बाबा की जो संगीत की साधना थी उसका एक छोटा सा छटाक हिस्सा भी आ जाए अगर, तो कम से कम आज जो कलाकार है उसका जीवन बन जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। मेरे हिसाब से तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब एक अवतारी पुरुष थे, और जो संगीत के लिए उन्होंने जो उनका कंट्रीब्यूशन है, पहली बात तो ये कि जिस तरह से उन्होंने सीखा, जो जिस जो साधना उन्होंने की है और जो स्ट्रगल उन्होंने किया, वो पूरी तरह से संगीत को समर्पित थे। और जैसा कि आपने कहा कि कई वाद्य वो बजाने में पारंगत थे, और यही नहीं, उन्होंने इतने सुंदर कलाकार के जो शिष्य है मेहर से, जो मेहर की परंपरा से जो बड़े बड़े कलाकार निकले, जो संगीत जगत के स्तंभ हैं, वो बाबा की ही देन, बाबा के ही तराशे हुए हीरे हैं एक तरह से कहा जाए तो निश्चित ही जो बाबा एक बहुत ही विराट उनका व्यक्तित्व है, सांगीतिक व्यक्तित्व बाबा का बहुत ही विराट है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा, ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा सीखने जिसके अंदर ये लालसा ना हो कि थोड़ा सा कुछ अंश बाबा का, अगर क्या जो इतना विराट व्यक्तित्व है उसका कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी हम संगीत का कुछ भी पा जाए और सीख ले, तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा। और उतना भी कर पाने के लिए मुझे लगता है कि जैसी साधना बाबा ने की है वो हम तो अभी कहीं भी नहीं पहुंचे, और वो हम थोड़ा सा भी उसको ग्रहण कर पाए और उस तरह की साधना हम भी कर पाए, सीख पाए, तो ये बहुत बड़ी ईश्वर कृपा होगी और गुरु कृपा होगी। सही कहा आपने। और पंडित रविशंकर को कौन नहीं जानता है, उस्ताद अली अकबर खान साहब को कौन नहीं जानता है, अन्नपूर्णा जी को कौन नहीं जानता है। और फिर इनके आगे सिखाए हुए जो शिष्य थे उनको भी संगीत बिरादरी जो है वो कितना प्यार देती है। तो निश्चित तौर पर बाबा, आपने सही कहा कि वो एक अवतारी पुरुष थे, मुझे भी इस बात में मुझे कोई संकोच नहीं है, जिस तरह का उनका अपना पूरा का पूरा संगीत की साधना और संगीत का सफर रहा। सुप्रिया जी, हम लोग जो ये इंटरव्यू सीरीज करते हैं उसमें हमेशा गुजारिश यही करते हैं अपने कलाकार से, रिक्वेस्ट यही करते हैं कि वो कोई भक्ति रचना सुनाएं। और जैसे बाबा की बात हो गई तो वैसे ही कुछ भगवान की बात हो जाए, जिससे कि ये इंटरव्यू थोड़ा और अच्छी तरह आगे संचालित हो सके। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि कोई भक्ति रचना जरूर सुनाइए। जी बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी, भजन से शुरुआत करना इस इंटरव्यू की और इस कार्यक्रम की। अभी बहुत ही जल्दी गांधी जयंती भी आने वाली है, और गांधी जी का एक प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा का, जो असल में श्री लक्ष्मणाचार्य द्वारा रचित था, और वो राम की स्तुति है। तो ये भजन जो है, ये मैं कोशिश करूंगी, इसमें इसके जो शब्द है उनमें थोड़ा सा फेरबदल गांधी जी ने किया था, और जो ओरिजिनल भजन है उसमें वो पूरी तरह से भगवान राम की स्तुति में है। तो
यही भजन मैं आप सबके आपके सामने कोशिश करूंगी बजाने की, और भगवान राम हम सब पर कृपा करें, और अभी की जो परिस्थितियां हैं और ये जो कोरोना काल है इस सब में सबको राहत मिले, जल्दी ये बीमारी इस जगत से दूर हो, भगवान राम ऐसी कृपा करें। बस इसी के साथ मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रयास करूंगी, रघुपति राघव राजा राम। क्या बात है सुप्रिया जी, और आपने सही कहा जो आपने इस पीस को बजाने से पहले कहा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के सामने जिस तरह का संकट है, और अभी तक एक ऐसे वायरस से हम लड़ रहे हैं जिस वायरस के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता कि इसका यही स्वरूप है या इसकी यही काट है, तो शायद कोई ईश्वरीय शक्ति ही है जो हमको और हमारे पूरे मानव समाज को, पूरी मानवीयता को इससे बचाएगी। अब शुरू करते हैं इंटरव्यू के परंपरागत सिलसिले को, और स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप कई बार दे चुकी होंगी, लेकिन वो पूछना जरूरी है, कैसे शुरू हुई थी आपकी संगीत शिक्षा? और आप तो खुद पंडित रविशंकर जी के बहुत सीनियर डिसाइपल रहे, पंडित सतीश चंद्रा जी, उनसे आपने सीखना शुरू किया था, तो वो जो शुरुआती सफर था संगीत का, पहले वो बताइए, फिर आगे सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी, तो मुझे लगता है कि संगीत में मेरा आना, संगीत के साथ जुड़ना, ये ईश्वर की कृपा से हुआ है, क्योंकि मैं सांगीतिक परिवार से नहीं, आई डोंट बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो मेरा जो परिवार है उसमें सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस तरह के ही सभी लोगों ने पढ़ाई की और इसी तरह का काम भी सब कर रहे हैं। तो मेरा संगीत में आना एक बहुत ही ये ईश्वर कृपा के कारण ही हो पाया है। और जब मैं छोटी थी तब हमारी स्कूल में एज अ हॉबी मुझे सितार जो है बहुत ही आकर्षित किया, ये वाद्य मुझे बहुत छुटपन में 9 साल की उम्र में मुझे एज अ हॉबी के लेने का बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ। और जब मैंने उसका एक
कारण ये भी था कि संगीत से जो भी बच्चे जुड़े हुए थे मेरे साथ के, उनको स्टेज पर प्रस्तुतियां देने का अवसर प्राप्त होता था स्कूल के एनुअल फंक्शन में। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी बात थी कि मैं भी स्टेज पर जाकर बजा पाऊँ ऑडियंस के सामने। तो यहाँ से मेरे मन में इच्छा हुई और वो अवसर भी प्राप्त हुआ कि मैं सितार सीख पाऊँ स्कूल में। और क्योंकि सितार मैंने स्कूल में सीखने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो जाहिर सी बात है तो कि घर में भी अगर रियाज के लिए सितार नहीं है तो कैसे मैं आगे अपनी शिक्षा बढ़ा पाती। तो इसलिए मैंने जिद कर कर अपने माता पिता से एक सितार लेने की भी मैंने जिद की, और इस तरह से सितार मेरे पास आया और वहां से शुरुआत हुई। और फिर मेरी माता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मेरी इस सांगीतिक जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाने में, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ये देखा कि मेरे अंदर बहुत कुछ मैंने सीख नहीं पाई थी, स्कूल में इतना कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। हफ्ते में एक दिन कभी क्लास होती थी और ऐसा कोई विधिवत सीखने का मुझे अवसर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं खुद से प्रयास करती थी बजाने का। छोटी छोटी धुनें मैं अपने आप स्कूल के लिए माँ 5 बजे उठाती थी, तो उठते ही पहले मुझे सितार मेरे कमरे में सितार रहता था, तो मेरे को बिल्कुल इच्छा होती थी कि मैं सितार बजाऊं पहले और स्कूल के लिए तैयार बाद में हूँ। तो वहां से मेरी माँ ने ये नोटिस किया कि हाँ मेरे अंदर शायद एक प्रतिभा है जिसको आगे मौका मिलना चाहिए बढ़ने का। तो उन्होंने मेरे लिए एक अच्छे गुरु की खोज प्रारंभ की, और वहीं से कानपुर में पंडित सतीश चंद्र जी, उनके साथ मुझे उनके सानिध्य में सीखने को मिला। और उन्होंने बहुत ही प्यार से और दिल खोल के उन्होंने मेरे को सितार की शिक्षा दी। बीच में कुछ गैप भी आया 3-4 साल का, लेकिन 12-13 वर्ष की आयु से मेरा एक विधिवत जो तालीम है वो उनके सानिध्य में शुरू हुई। और उसके बाद हम जब दिल्ली आए तो पंडित उमा शंकर मिश्र जी के, जो कि मेहर के बहुत वरिष्ठ कलाकार है, उनसे मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये तो मेरी प्रारंभिक जो मैं है उसी पे आ यात्रा रहा है। था कि जो संगीत की तालीम का दूसरा हिस्सा कह लें या पार्ट टू कह लें, उसमें जो आपके गुरु रहे उनका बहुत स्नेह है मेरे प्रति, रागगिरी के प्रति, और पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं, ग्रैमी अवार्डी हैं, वो खुद भी रविशंकर जी के शिष्य रहे हैं। और सुप्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं ना कि एक कलाकार का सहज इंसान होना बहुत जरूरी है, एक कलाकार का बड़ा इंसान होना बहुत जरूरी है। पंडित जी को मैं जब देखता हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे कई बार बात करने के बाद भी आश्चर्य होता है कि मैं पंडित विश्वमोहन भट्ट से ही बात कर रहा था क्या। मेरे और उनके जो संदेशों का आदान प्रदान होता है व्हाट्सएप पे, कई बार मुझे उनको ये लिखना पड़ता है कि प्लीज आप मुझसे इतने सम्मान से बात ना करें, मैं हुनर में, उम्र में, हर चीज में आपसे बहुत छोटा हूं। तो उनसे जो आपने सीखा, मतलब संगीत तो निश्चित तौर पर आपने एक ऐसे गुरु से सीखा कि आपको बहुत, आप लकी रही उस हिसाब से, आप संगीत के साथ साथ संस्कार के तौर पर विश्व मोहन भट्ट जी से क्या क्या सीखा आपने? जी आपने बिल्कुल सही बात कही है मेरे गुरुजी के बारे में। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से मैं आपको बताना चाहूंगी उनका, हालांकि उनको मैं बचपन से सुनती आ रही थी, और इतने बड़े कलाकार हैं वो, और उनका जो संगीत है इतना 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 सुंदर संगीत है उनका, तो बहुत कुछ बचपन से सुनते सुनते उनको फॉलो करने का और सीखने का हमेशा से प्रयास रहा। तो सितार की जो विधिवत जो मेरी टेक्निक है या रागदारी है, सितार की विशिष्ट तकनीक होती है, वो तो मैंने अपने गुरु पंडित सतीश चंद्र जी और पंडित उमा शंकर जी से मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जब 2011 में मेरे गुरु जी पंडित उमा शंकर जी शंकर मिश्र जी का निधन हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी, मतलब जैसे मन में एक लालसा थी कि नहीं अभी और सीखना है। और गुरु के जाने के बाद, हालांकि गुरु का आशीर्वाद हमेशा एक शिष्य के साथ रहता है, लेकिन जो एक फिजिकल प्रेजेंस गुरु की होती है वो उसका एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरे मन में ये था कि मुझे आगे अपने संगीत की शिक्षा को आगे और बढ़ाना है। तो ये सिलसिला जब चलता रहा तो मैंने पिछले
2 साल से पंडित विश्वभुवन भट्ट जी से विधिवत सीखने का मेरी जो तालीम है उनके सानिध्य में प्रारंभ हुई। और हालांकि मैं उनके संगीत को, जैसा मैंने कहा, बहुत सालों से सुनती भी आ रही हूँ, और उनको मैं मुझे मेरा बहुत परम सौभाग्य था कि बहुत सालों से मैं उनको जानती भी थी, क्योंकि कॉन्सर्ट्स में आना जाना, और बहुत, जैसा कि आपने कहा कि वो किसी को भी मिलते हैं तो इतने ज्यादा वो सरल हैं, और जो उनका व्यक्तित्व एकदम सिंपल पर्सन है, और इतने बड़े कलाकार हैं वो, लेकिन वो कभी भी ये चीज जाहिर नहीं होने देते, और हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन जब भी शुरू से जब भी उनसे जब भी मिलना होता था तो इतने सरलता से और इतने प्यार से मिलते थे। तो यहाँ से आई थिंक वो जो जुड़ाव था मेरे मन में और उनके लिए जो उनके संगीत के प्रति और उनके प्रति जो आदर था मेरे मन में, वो फाइनली वो जाके इस तरह से अब जो मेरी उनके उनके साथ जो गुरु और शिष्य वाला संबंध वो भी अब बन पाया है। तो उनसे मैं हमेशा उनको यही बात कहती हूँ कि ना केवल उनका संगीत पर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जो सिंप्लिसिटी है उनकी, जो ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, इतना बड़ा कलाकार होने की बात भी, ये चीज हम सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर कलाकार का मन अच्छा नहीं है या उसके अंदर सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी नहीं है तो उसके संगीत में भी वो क्वालिटी शायद आ नहीं पाएगी। तो ये चीज मैंने हमेशा उनकी देखी है कि बहुत ही जेनरसली, एक तो वो सिखाते हैं बहुत जेनरसली, कभी वो समय नहीं देखते, और हमेशा कहीं भी हो, अभी तो पैंडेमिक का जो ये लॉकडाउन और ये सारी परिस्थितियां ही बदल गई, लेकिन उसके पहले अगर वो ट्रैवल भी कर रहे होते थे, और अगर एयरपोर्ट पे वो अपनी फ्लाइट के लिए वेट भी कर रहे हैं, और अगर मैं उनको मैसेज करती हूँ तो तुरंत उनका रिस्पॉन्स आता था, तुरंत वो वहां पे कुछ मुझे अपनी ऑडियो क्लिप भेज देते थे। और सीखने का जो सिलसिला है वो मेरा, मतलब समय नहीं बर्बाद करना है, जो समय मिले उसी में कुछ ना कुछ सिखा दूं मैं, ये हमेशा से उनका एक अप्रोच रही है। और कभी भी उन्होंने, मतलब जब भी, बहुत अप्रोचेबल है वो, कभी भी हमारा मन हो उनसे बात करने का हम हमेशा उनसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसा, मतलब आप बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं वो, इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन यही उनकी जो सहजता और सरलता है बहुत ही अपील करती है। तो अब तो सुप्रिया जी, चूंकि आपकी शुरुआती तालीम की बात भी हो गई और फिर विश्वमोहन भट्ट जी जो आपको मौजूदा समय में बारीकियां बता रहे उनकी भी बात हो गई, तो कुछ एक शास्त्रीय राग जो आप हमें सुनाना चाहें वो जरूर सुनाइए। जी, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, आज ही हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हुई है यहाँ बनारस में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मियां मल्हार में आपको छोटा सा आलाप सुना के एक बंदिश सुनाती हूँ। और ये बंदिश मेरे दादा गुरु जी पंडित रविशंकर जी ने बनाई है, और उनका उन्होंने ही मतलब बहुत सुंदर इसका सुंदर तरीके से बढ़ता भी है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, हालांकि उनकी बनाई हुई बंदिश बजाना आसान नहीं है, तो हो सकता है मुझसे गलतियां हो जिसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं मियां मल्हार में एक ध्रुव बंदिश और उसके पहले थोड़ा सा अलाप आप सब के सामने प्रस्तुत करूँ। Thank you.
बात है। और हम एनसीआर वाले लोग जो है वो अक्सर शिकायत करते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है और आपने उसमें मियां मल्हार, बनारस की बारिश, मतलब लालच वाले दो एलिमेंट आपने पैदा कर दिए। लेकिन अच्छी बात है आजकल थोड़ा यहाँ भी राहत है, यहाँ भी ज्यादा गर्मी नहीं है, दो दिन से तो अच्छी अच्छा मौसम है, टिप टिप बारिश भी हो रही है। अच्छा सुप्रिया, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे जो संगीत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत के ग्रामर को नहीं समझते हैं, हारमोनियम है पता है कि अगर ये की दबाएंगे तो स ही बजेगा, पियानो है पता है कि ये की दबाएंगे तो स बजेगा ही बजेगा, लेकिन सितार हो गया, वायलिन हो गया, सरोद हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में कहीं ये लिखा नहीं है, डिमार्केशन नहीं है कि ये सा है, ये रे है, या ये कोमल है, ये तीव्र है, ये तो क्या कोई बुरा सा भी होता है? कभी ऐसा भी होता है कि कोई बुरा सा लग गया, या मतलब बुरा कोई ध लग गया या बुरा प लग गया, जिसको हम गायकी में बेसुरा होना कहते हैं, तो क्या ये होता है? और अगर होता है तो आपको रियलाइज तुरंत होता है क्या, अरे यार ये गड़बड़ हो गई, मतलब ये और वो क्यों होता है? मतलब क्या साधना की कमी की वजह से होता है, रियाज की कमी की वजह से होता है, क्यों होता है ऐसा? जी जैसे आपने सही कहा, सरोद और वायलिन इस तरह के जो वाद्य हैं इनमें फ्रेट्स भी नहीं है, सितार में तो एटलीस्ट शुरुआत में हमारे सितार पे पर्दे होते हैं, फ्रेट्स होते हैं, तो हर स्वर के लिए एक पर्दा होता है, और जो कोमल स्वर हैं जैसे उनको हम पर्दे को शिफ्ट करके हम उन्हें कोमल बना सकते हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि शुरुआत में बिल्कुल जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उसमें थोड़ी सी आसानी कुछ हद तक होती है कि फ्रेट्स हैं हर नोट के लिए, तो जो शुरुआती जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रेट्स पर स्वरों को पहचान सकते हैं, लेकिन जो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जरूरी वो खूब ढूंढनी पड़ती होगी वो जगह कि कहाँ पर सा है कहाँ पर रे है। लेकिन जैसे जैसे सितार में हम आगे बढ़ते हैं, सितार की जो तालीम आगे बढ़ती है और जैसे जैसे एडवांस्ड ट्रेनिंग होती है और तार के को खींच के और नीड के साथ स्वरों को जब हम लेने का प्रयास प्रारंभ करते हैं तब असली दिक्कतें आना शुरू होती है, क्योंकि ना सिर्फ मतलब उंगली भी कटने का और ये सारी जो चीजें तार के ऊपर जब हम उंगली अपनी रखते हैं तो कैलसेस पड़ते हैं, शुरू में काफी तकलीफ होती है उंगली में, ये सब होता है, लेकिन उसके अलावा स्वर को ढूंढने में कि जब हम एक पर्दे पर जब तार को खींच रहे हैं और आगे के स्वरों को बजाने का प्रयास कर रहे हैं तो सही नीड लेना और सही स्वर पे स्वर की जगह को समझना, ये केवल और केवल करने से ही आता है। सबसे पहले तो स्वर की पहचान अपने अंदर होनी चाहिए, अगर हम स्वर को पहचानेंगे नहीं कि सा षड्ज क्या है ऋषभ क्या है तो हम वो बेसुरापन, तो जब सितार में तार खींचा जाएगा नीड का काम होगा तो जरूर ही वो बेसुरापन आने का पूरा चांस है। तो जब तक हम स्वर को पहचानेंगे नहीं, और उसके लिए जरूरी है कि अपने अंदर उस पर हमेशा रहें, स्वरों को हम अपने अंदर आत्मसात कर पाएं, ये सबसे जरूरी है। तो ये करने से होता है और यही प्रतिभा भी होती है, जो टैलेंट हम जिसकी टैलेंट की बात करते हैं तो जिसके अंदर ईश्वरीय देन होती है, प्रतिभा होती है, तो वो जल्दी स्वरों को पहचानना और समझना वो जल्दी हो पाता है और आसानी से हो पाता है। लेकिन वो चीजें कर पाना और वो टेक्निक और फिर उसमें एस्थेटिक्स डालना, वो सारी चीजें केवल समय के साथ और गुरु के सानिध्य में रहते हुए सही चीजें सीखते हुए और सही रियाज करते हुए ही आ पाती है। ये दरअसल सवाल मैंने पूछा भी इसीलिए था और आपने बहुत अच्छा किया कि सितार के साथ साथ आप उसको सरोद और वायलिन की तरफ ले गई, क्योंकि उस्ताद अमजद अली खान साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं ये बेपर्दा बाज है और इसको अगर कोई बेसुरा बजाए तो बेपर्दा हो भी जाता है। तो और दूसरा, मुझे जो आपने ट्यून करने की बात कही सितार के या सितार के तारों को खींच के मींड और जो उसकी तकनीकी पक्ष पे आपने बताया, मुझे याद आ रहा है कार्यक्रम अभी जसराज जी थे हम सब लोग के बीच और ये पेंडेमिक नहीं शुरू हुआ था, कामानी में एक कार्यक्रम था और सुजात भाई ने वो सिर्फ ट्यून किया था अभी सितार, जसराज जी स्टेज से उतर के जा चुके थे और वो वापस लौट के आया, उन्होंने कहा कि ये जो तुमने ट्यून किया है ये ट्यून में ही जो धुन आ गई ना इसके लिए ऊपर ताली बजाने आया हूँ, सुनूंगा तो बाद में। तो ये बड़े कलाकार थे,
इसमें कोई दोराय नहीं है। तो सुप्रिया, इस मोड़ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने बारिश का जिक्र किया था और बनारस, तो खैर बनारस के संगीत के साथ साथ सेमी क्लासिकल ऐसे लगता है कि उसके साथ चिपका हुआ साथ में चला आ रहा हो। मतलब अगर कोई बनारस संगीत कहे तो दूसरा शब्द ही निकलेगा कि भाई कजरी, चैती, ठुमरी, उपशास्त्रीय संगीत। तो कोई पसंदीदा उपशास्त्रीय संगीत में जो चीज आपको पसंद हो वो भी हमें जरूर सुनाइए अपने इस सितार से। जी, मैंने बहुत साल पहले मिश्र समाज में मेरे गुरु जी पंडित उमा शंकर मिश्र जी से, और वो क्योंकि मधुबनी से थे और जो मधुबनी की जो सितार और सुरबहार वगैरह की परंपरा है, ऐसे तो उसके ओरिजिन राजस्थान में है, लेकिन फिर वो लोग करीब 200 साल पहले ईस्टर्न यूपी में आके बसे और फिर बिहार में मधुबनी में। तो वो सारी इन्फ्लुएंसेस जो है ईस्टर्न यूपी की और बिहार की जो फोक और सेमी क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस जो है उस परंपरा में भी दिखती है। और गुरु जी से मैंने एक मिश्र समाज में धुन सीखी थी, तो वो बहुत सुंदर उसमें काम करते थे, रागमाला भी उसमें दिखाते थे। तो हालांकि समय उतना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसमें जो मैंने धुन उनसे सीखी है वो मैं थोड़ा सा बजाती हूँ आपके लिए मिश्र समाज। कमाल की बातचीत और बहुत कमाल का संगीत चल रहा है सुप्रिया जी। और मैं एक जो आपका और परिचय है जिसका जिक्र मैंने इंटरव्यू के बिल्कुल शुरुआत में किया था, आप थोड़ा सा उस तरफ भी जाते हैं। आप बीएचयू में हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ये जो नाम के साथ डॉक्टर है या जो सिखाने की जिम्मेदारी है, संगीत के ग्रामर को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी है उसकी, और साथ में कार्यक्रम, तो ये संतुलन कैसे होता है? मतलब क्योंकि बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली में बहुत से लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि भाई अगर आप स्टेज पे गाते बजाते हैं तो फिर स्कूल में टीचर मत बनिए, ठीक है? तो आप इसको कैसे देखती हैं, आपका इसमें क्या नजरिया है और आप कैसे संतुलन करती हैं, ये भी हमें बताइए। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो मेरा आना हुआ, और असल में मेरी जो यहाँ, जैसे जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तभी से मेरा बनारस में आना और यहाँ रहने का मुझे अवसर मिला, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग रही, क्योंकि बनारस कल्चरली और म्यूजिकली ये इतनी ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है, भगवान काशी विश्वनाथ की ये नगरी है,
और यहाँ संस्कृति और संगीत, जिसको भी संस्कृति और संगीत से जुड़ना है वो अगर काशी आ गया तो उसको तो जैसे एक बहुत ही बड़ी धरोहर मिल जाती है। ऐसे ही बिल्कुल अब इर्द गिर्द आसपास संस्कृति और संगीत में डूबा हुआ है काशी। तो मुझे लगता है कि बनारस में आई तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ जो सांगीतिक यात्रा है और जो मेरा ज्ञान है उसमें बहुत वृद्धि हुई बनारस आने से। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये एक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ पाई और यहाँ पर मुझे सिखाने का जो अवसर मिल रहा है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती कि अगर हम कलाकार हैं या मंच पर हम अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो हमें विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ना चाहिए। और जो सिखाने का जो यहाँ सिलसिला है और ये सभी जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं मेरे ख्याल से इस बात से अग्री करेंगे कि जब हम सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सीख रहे होते हैं। सिखाने की जो वो जो गिव एंड टेक होता है एक स्टूडेंट के साथ या एक शिष्य के साथ डिसिपल के साथ, वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम अपना ज्ञान जब किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान को भी काफी विकास कर पा रहे हैं। बहुत सी चीजें इन द कोर्स ऑफ टीचिंग हमको भी समझ में आती है, नई नई चीजें हमको भी समझ में आती है। तो इसलिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में इतना बढ़िया डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि हमारे देश का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है म्यूजिक का बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर, और जो यहाँ की जो हिस्ट्री रही है इस डिपार्टमेंट की बहुत बड़े बड़े कलाकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी और पंडित लालमणि मिश्रा जी, डॉक्टर एन राजम, ऐसे बड़े बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं उनके विदुषी कमला शंकर जी, सबके इन सबका नाम जुड़ा हुआ है इस विश्वविद्यालय से और इस डिपार्टमेंट से। तो और ये सब उच्च कोटि के कलाकार भी रहे हैं और मंचीय प्रस्तुतियां इन्होंने जीवन भर दी है, तो इसलिए वो बैलेंस बना पाना तो ये अपने ऊपर है कि हम कितने अच्छे से सारे अपने डिफरेंट रोल्स को कितने अच्छे से निभा पाते हैं। लेकिन एक चीज दूसरी चीज के कॉस्ट पे हम करें ऐसा जरूरी नहीं है, सारी चीजें साथ लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपने तो आपने तो एक किताब भी लिखी है जो आपका मेरे ख्याल से थीसिस था, वही किताब है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। जी, तो जब मैं पीएचडी कर रही थी तो जो चेंजिंग सिनेरियो है संगीत में, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में बहुत हमारा संगीत बदला है और उसके बहुत से कारण रहे हैं, और मेरा बहुत ये इंटरेस्ट मेरा हमेशा से था इस ओर। सितार बजा रही हूँ तो मेरा जो फोकस था वो ऑफकोर्स सितार पर ही था, लेकिन मैंने कोशिश ये की है अपनी रिसर्च में कि मैं मंचीय प्रस्तुतियों पर और संगीत का जो पूरा रेपर्टुआर है जो पिछले 50 वर्षों में जो जो इसमें बदलाव आए हैं, इसका क्या स्वरूप था पहले और क्या क्या इसमें ओवर द इयर्स एंड फॉर दीज लास्ट फ्यू डेकेड्स इसमें किस तरह से परिवर्तन आए हैं, क्योंकि संगीत जो है वो हमेशा इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट और वो परिस्थितियों के साथ, सामाजिक परिस्थितियों के साथ भी बदलता आ रहा है, और अगर नहीं बदलेगा, अगर वो डायनामिज्म इसमें नहीं रहेगा तो ये संगीत फिर खत्म हो जाएगा। तो यही इसकी विशिष्टता है और इसलिए मेरा ये फोकस था कि मैं ये सारे जो बदलाव आए हैं और इसका जो आज का स्वरूप है और इसमें आगे भी क्या संभावनाएं हैं, और उसमें मैंने एक बहुत ही मेरा जो स्कोप था इस रिसर्च का वो ये था कि मैं इसमें हर एक पहलू पर कहीं ना कहीं उसको उस पर कुछ ना कुछ जानकारी लूँ और उसको सब तक पहुँचाऊँ सब लोगों तक अपने रिसर्च के माध्यम से, जो कि बाद में मैंने बुक फॉर्म में पब्लिश किया। मैंने कोशिश यही की है और चाहे वाद्य हो चाहे रेपर्टुआर हो बंदिशें हो, हर तरह के जो चेंजेस आए हैं और कैसे कैसे ये एनरिच होता गया, जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस भी आई हैं, सारी चीजों पर मैंने कोशिश की है कि मैं चर्चा करूँ अपनी। आप बनारस का जिक्र कर रही थी और मेरे जहन में सिर्फ कबीर चौरा घूम रहा था और वो लाल दीवारों पर
कबीर के दोहे दिमाग में घूम रहे थे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो दुनिया भर के चार पांच बड़े बड़े लाइन से लगे हुए हैं। मुझे ये भी याद आ रहा था कि उस जगह के बारे में बहुत मशहूर है कि कबीर चौरा पर खड़े होकर आप कहीं भी पत्थर फेंकिए, जिस घर में जाकर गिरेगा वहां कोई ना कोई पद्मश्री या पद्म भूषण कलाकार रहता होगा, क्योंकि जिस गली से राजन साजन मिश्र जी जैसे लेकर और उसके उनसे पहले के कलाकार और किशन जी महाराज जैसे कलाकार निकले हों, तो निश्चित तौर पर उस शहर से जुड़ना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। सुप्रिया जी, अभी तक इस इंटरव्यू में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं ही फरमाइश कर रहा था, तो सब कुछ मैंने ही संचालन कर दिया। अब गुजारिश ये करूंगा कि कोई एक चीज जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि अब हम इंटरव्यू लगभग खत्म करने की दिशा में है, तो कोई एक चीज बनारस से जुड़ी हुई या मौसम से जुड़ी हुई या जो भी आपके दिल के करीब हो, जो आप गुनगुनाती हो बजाती हो, वो भी हमें जरूर सुनाइए। जी, तो एक भैरवी की धुनर हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि ज्यादातर किसी भी कॉन्सर्ट को खत्म करना हो तो भैरवी से ही खत्म किया जाता है। तो एक भैरवी की धुन है जो मैंने सीखी है अपने गुरु जी से, पंडित सतीश चंद्र जी से, और ये धुन बहुत ही सुंदर बजाई है उस्ताद अली अकबर खान साहब ने। तो ये मेहर की एक खास धुन है भैरवी में, तो मैं इसको बजाती हूँ छोटे से अलाप के साथ, ये भैरवी की धुन, और आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। बात है, और इसीलिए
कुछ पिछले कुछ दिनों पहले राजन साजन मिश्र जी ने एक प्रोग्राम की सीरीज भी की थी भैरव से भैरवी तक, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं कि भैरवी दरअसल रात का राग है, और मतलब ये बड़ा बड़ा भावुक होने वाला भी पक्ष है, क्योंकि इस इंटरव्यू में इतनी बार हम लोगों ने बनारस का जिक्र किया, राजन साजन जी का जिक्र किया, और राजन जी पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे। तो अब खैर सुप्रिया जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल भी है और मेरा बहुत पसंदीदा सवाल भी है। हम लोग संगीत के हीलिंग टच पर बहुत सारा काम करते हैं, हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, हम दिव्यांगों के बीच जाते हैं और नेत्रहीनों के बीच जाते हैं, और उनसे संगीत उनको सुनाकर किसी तरीके से उनसे कनेक्ट करके देखते हैं कि संगीत का असर क्या है। ये जो 2 साल बीते उसमें मैंने जितने कलाकारों से मुझे मौका मिला, मैंने ये जरूर पूछा कि आपको पर्सनली जब पैंडेमिक बहुत पीक पर था, और मैं निश्चित तौर पर आपके आसपास भी कुछ अप्रिय घटनाएं जरूर हुई होंगी, अप्रिय समाचार आपको भी जरूर मिले होंगे और बहुत व्यथित रहा होगा मन, संगीत ने कितनी मदद की उस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में, कहीं कहें या बाहर ना निकले तब भी कम से कम ये कहें कि एक ढांढस बनाने में या एक मन को तसल्ली देने में कि नहीं चलो थोड़ी देर सितार बजा लिया, चलो थोड़ी देर कुछ गुनगुना लिया, चलो थोड़ी देर कुछ सुन लिया किसी कलाकार का, कितनी आपको मदद मिली इस संगीत से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक बहुत ही मुश्किल वक्त से सब गुजरे हैं। मेरे ख्याल से हम सभी ने किसी ना किसी को खोया है जिनको हम निकट से करीब से जानते थे, और संगीत जगत के भी बहुत दिग्गज कलाकार, परम आदरणीय पंडित राजन मिश्रा जी का आपने अभी नाम लिया, उनका जाना तो आज भी मतलब हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और हमें लगता है कि वो एक लेजेंड, इमॉर्टल लेजेंड है, वो हमारे बीच उनका संगीत है और वो आज भी हमारे बीच। लेकिन हाँ, बीमारी जो महामारी फैली है इसके चलते बहुत ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है इनमें जरूर संगीत, क्योंकि हम लोग सब संगीत से जुड़े हुए हैं, तो मैं मानती हूँ कि हम लोग इन अ वे फॉर्चुनेट भी हैं, क्योंकि जो भी कुछ बीता है अभी तो संगीत, जब एक बार हम अपने साज के साथ बैठ जाते हैं तो वो जितना जो भी कुछ हुआ है उसको हम अपने संगीत में अगर उड़ेल देते हैं तो बहुत जरूरी एक तरह से हमें वेंट करने का मौका मिलता है। जो भी कुछ दुख है वो संगीत में जब हम उसको डाल देते हैं, अपना जो जैसे संगीत हम अपने रियाज के लिए बैठे साज के साथ बैठे तो वो सारी जो भावनाएं हैं उनको एक बाहर निकलने का जरिया मिलता है, कहीं ना कहीं बहुत लाकि वो हम उस चीज को कभी हम जो लॉस है उसको तो कभी हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसको उससे डील करने का, प्रोसेस कर पाने का हमें एक संगीत एक बहुत सशक्त माध्यम। और तो आप जानते ही हैं कि म्यूजिक थेरेपी एक महत्वपूर्ण विषय है, और इस म्यूजिक थेरेपी के जरिए एक्चुअली जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस और इन सारी चीजों से जो लोग लड़ रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उनको संगीत से बहुत मदद मिलती है इन सारी चीजों से निकल पाने में। तो जरूर ये एक बहुत अच्छा जरिया जो, और जो लोग संगीत जो लोग गाना बजाना कर रहे हैं ना सिर्फ उनके लिए पर जो संगीत को सुनते हैं, सुनने से भी जो एक अपना स्ट्रेस रिलीज होता है या जो भी मुश्किलें हम मुश्किल हालात में उनसे निकल पाने का या उनसे डील कर पाने का एक जरूर एक मौका मिलता है संगीत को सुनने से। तो जरूर ये संगीत से जुड़ना चाहिए हम सभी, और इसके इसमें जो साधना रहती है तो जरूर उनको बहुत अच्छा एक माध्यम है कि वो इस परिस्थिति से जूझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, और बहुत अच्छी बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक पीस हमने सुने। आप खत्म करो इंटरव्यू इससे पहले, मुझे लगता है चूंकि आप मैहर घराने से हैं तो मैहर घराने का आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जो बहुत कम कलाकारों को पता होता है, लेकिन चूंकि हम लोग बहुत सारे कलाकारों से बात करते रहते हैं, ये कहानी पुरानी है जब मोबाइल फोन्स नहीं थे और फोन पर सारी चीजें हैंडल होती थी और चिट्ठियां होती थी, मेल नहीं होते थे। शुभा मुद्गल जी का एक कार्यक्रम था मैहर में,
और उनको मुंबई से मैहर आना था, पहले मुंबई में कार्यक्रम था और वहीं से आना था, तो वो आयोजकों से बातचीत हो गई थी और वो तय कार्यक्रम जब था तो तय समय पर वहां पहुंची, तो वहां स्टेशन पर कोई उनको मिला नहीं, मैहर स्टेशन पे छोटा सा स्टेशन था। तो सुभाष जी बड़े घबराई कि रात का समय उसमें स्टेशन पे कोई है नहीं, तो खैर वो बड़ा संकोच करते करते उतनी उन्हें लगा कोई शायद आता होगा, 5-7 मिनट देरी हो गई होगी। तो एक बहुत ही चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी में से कोई उनके पास आया, उसने पूछा कि क्या आप जो कार्यक्रम होना है उसके लिए आई हैं? तो उन्होंने कहा जी। तो वो बहुत एकदम आगंतुक की तरह गया, उसने कमरा खोला, वहां बिठाया, आप चाय पियेंगी, चाय पिलाई, और फिर वो जल्दी से गया और आयोजकों को लेके आया। आयोजकों ने माफी मांगी क्योंकि आयोजकों को लगा था कि वो एक दिन बाद आएंगी। जब वो चलने लगी शुभाजी, तो शुभाजी को लगा कि अब उस कर्मचारी को क्या किया जाए, मतलब पैसे देना कहीं खराब ना लगे। तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा और बहुत ही स्नेह से कहा, अभिवादन के साथ कहा कि कल मेरा कार्यक्रम है, आप उसमें जरूर आइएगा। और उस कर्मचारी ने जो कहा वो दरअसल मैहर घराने की समझ को पैदा करता है। उसने कहा मैं जरूर आऊंगा और राग परज सुना दीजिएगा, बहुत दिन से राग परज नहीं सुनी है। तो आप सोच के देखिए कि बाबा क्या देकर गए इस देश को संगीत की दुनिया में, बाबा ने मैहर घराने में कैसा कमाल किया, ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि चतुर श्रेणी का कर्मचारी कह रहा है कि राग परज हमको सुना दीजिए। तो मुझे लगा कि चूंकि आपके घराने की कहानी है इसलिए आपको मैं बताऊं, और पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, ये जो बात आपने बताई है तो मुझे भी नहीं मालूम थी, और वाकई ये बाबा का इतना बड़ा योगदान है। और जो मैं यहाँ पर बस एक बात आखिरी में कहना चाहूंगी कि यही उन्होंने एक वाद्य वृंद जो है उसकी भी रचना की थी मेहर बैंड करके, और उन्होंने उसमें मतलब ऐसे बच्चों को वो जोड़ लेते थे जो मतलब बहुत गरीब घरों से भी आ रहे हैं, जिनका संगीत से कोई लेना देना नहीं है, जिन परिवारों का, और उनको जोड़ के उनको संगीत की तालीम दी, और इतना सुंदर जो मेहर बैंड बनाया वो अभी तक चला आ रहा है, उसकी प्रस्तुतियां भी होती हैं, सुंदर सुंदर रचनाएं जो बाबा ने की और सबको सिखाई। हाँ बाबा जैसा आपने शुरुआत में कहा था अवतारी पुरुष थे, बहुत बड़ा योगदान है उनका पूरे संगीत जगत। बहुत 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 धन्यवाद सुप्रिया जी, आपने समय निकाला और बातचीत हुई, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बनारस से आपका जुड़ाव, संगीत से आपका जुड़ाव, और अपना ये अपने जो ये संस्कार है उनसे आपका जुड़ाव और मजबूत हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत धन्यवाद।